जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त अच्छे से होंगे। आप सब की साथियों यूपी पुलिस के बारे में आज हम आके बात कर रहे हैं। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस क्या है। साथियों यूपी पुलिस फिजिकल 2024 कब होगा। साथियों बच्चों बंदों का कमेंट आ रहा था, भाई को कमेंट आ रहा था कि सर जी थोड़ा यूपी पुलिस के फिजिकल के बारे में बता दीजिए, हमें फिजिकल की तैयारी करनी है, आपकी एकेडमी में आना चाहते हैं। तो आप दोस्त कहीं से भी हो, यूपी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको आना है तो आ सकते हो। लेकिन साथियों अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी ठोक देना, ठीक है दोस्तों। अब साथियों हम बात करेंगे यूपी पुलिस फिजिकल 2024 कब होगा। साथियों 18 मिनट रनिंग कैसे करें, कम समय में फिजिकल की तैयारी कैसे करें। चलो ठीक 18 मिनट में रनिंग कैसे करें, यहाँ 18 मिनट सिर्फ मैं लिखा हूँ, आपको 24 मिनट मिलेगा फिजिकल के लिए, ठीक है 5 किलोमीटर के लिए आपके फिजिकल के लिए। अब 18 मिनट मैं अपना टारगेट लिखा हूँ, अगर आप हमारे पास रहोगे तो आपकी टाइमिंग 18 मिनट आ जाएगी, ठीक है साथियों। ये मत सोचना कि सर आप तो 18 मिनट कहाँ देते हैं यूपी पुलिस में, मैं भी जानता हूँ 24 मिनट देते हैं, ठीक है। अब साथियों आपको आना है तो 6394 क्या है साथियों 6394 72 83 56 पे कॉल करके आ सकते हो। यूपी पुलिस की रनिंग कैसे करें, साथियों मैं जानता हूँ आप सब पढ़ने वाले बंदे हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ते हो दोस्तों, आप सबके पैर में थोड़ा क्या है पावर कम है, इसलिए साथियों आपको मैं कह रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है 30 दिन, कम से कम 30 दिन, 30 से 40 दिन अगर आप खुद से घर पे रनिंग करना चाहते हो, 30 से 40 दिन आप कम से कम पहले 30 मिनट रनिंग करिए, कम से कम 5 दिन 30 मिनट साथियों 5 दिन सॉरी फिर से बता दे रहा हूँ यार, ठीक है फिर से दोस्त बता दे रहा हूँ, ठीक है कम से कम दोस्त 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 30 दिन की बात कर रहा हूँ। 30 दिन आपको रनिंग कैसे करनी है, 5 दिन साथियों आपको 30 मिनट रनिंग करनी है, 30 दिन कैसे रनिंग करनी है साथियों 1 महीना, तो 5 दिन इसमें साथियों आपको 30 मिनट रनिंग करनी है, 5 दिन के बाद साथियों आपको 40 मिनट रनिंग करनी है, कितने मिनट साथियों 40 मिनट रनिंग करनी है, फिर उसके बाद 5 दिन बाद साथियों आपको पर डे 45 से 50 मिनट रनिंग करनी है, 45 से 50 मिनट रनिंग करनी है। ये 30 दिन का बता रहा हूँ सर जी, 1 महीने का बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। आपको कितना करना है, 30 मिनट करना है 5 दिन तक स्टार्टिंग में साथियों, फिर 5 दिन के बाद 30 मिनट के बाद तो क्या करना है, 5वें दिन के बाद 6ठे दिन से आपको 40 मिनट रनिंग करनी है। तो इसको कितने दिन करना है साथियों, 5 दिन तक इसको भी करना है, पूरा टोटल क्या हुआ आपका 10 दिन हो गया। आपके पास कितना दिन बचा, 20 दिन बचा, 20 दिन में आपको 40 से 45 मिनट रनिंग करनी है, 50 मिनट रनिंग करनी है, 45 मिनट करनी है, 50 मिनट करनी है, ऐसे रनिंग करनी है, ठीक है साथियों। ये दिन आपका हो गया क्लियर। अब ये आप बोलोगे सर जी इतना हमें क्यों दे दिया आपने, आपने मुझे इतनी हार्ड रनिंग क्यों दे दी, 40-40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट मैं रनिंग करता रहूं। जी हाँ बिल्कुल करो यार रनिंग, क्योंकि साथियों स्टार्टिंग में जब आप जीरो क्या है आपके मांसपेशी एकदम सिंपल हैं, कोई उसमें कट नहीं है, मेहनत नहीं की हो, जब आप धीरे धीरे करोगे आपके बॉडी में एंडोरेंस, पैर में एंडोरेंस आ जाएगा, जब आपके पैर में एंडोरेंस आएगा तो आपका वर्कआउट होता है क्या साथियों, जैसे आपको हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 1 दिन आपको रेस्ट करना है, छुट्टी करना है, 6 दिन आपको वर्कआउट करना है। जैसे पहला दिन सोमवार को संडे को रेस्ट करना है, सोमवार को साथियों आपको जैसे सोमवार को मंगल बुध बिफे जो भी दिन हो उस दिन में आपको अलग अलग वर्कआउट है। चलो ठीक है मैं माना सोमवार को आप 3 किलोमीटर साथियों क्या है 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर साथियों कम से कम 2 स्टेशन लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए टाइमिंग के साथ, फिर उसके बाद 400 मीटर उसी दिन लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, ऐसे टाइमिंग से हर दिन अलग अलग वर्कआउट रहेगा साथियों। जब ऐसे वर्कआउट करोगे जो मैं थंबनेल में लिखा हूँ 18 मिनट में रनिंग कैसे क्लियर करें, मैं कहता हूँ 18 मिनट नहीं तो आप कम से कम 19 मिनट में आराम से 2 महीने के अंदर की रेस क्लियर कर सकते हो। लेकिन साथियों अगर आपको लगता है कि हमारा पेपर क्लियर है, हम पेपर क्लियर कर जाएं, जैसे हम भी देख रहे थे
विवेक सर को भी देख रहे थे, तमाम ऐसे सर हैं जो उनका वीडियो भी हम भी देख रहे थे, और भी वो बताए कि जो बंदा 100 क्वेश्चन तक सही किया है, 100 क्वेश्चन तक, 105 क्वेश्चन तक, वो अपने आप को सेफ महसूस हो सकता है। हाँ यार, उन क्योंकि वो लोग बड़ी कोचिंगें हैं, उनके पास स्टूडेंट भी रहते हैं, टॉपर भी रहते हैं उनके पास, उनसे एनालाइज हो जाता है कि हमारा जो टॉपर है हमारे कोचिंग का, तो उस टॉपर का इतना क्वेश्चन हो सकता है, तो एवरेज वो सही निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम तो उतना बड़े तो है नहीं, लेकिन हमारा क्या है यार, हम तो एक ट्रेनर हैं, फिजिकल कराते हैं, क्योंकि साथियों हमने भी, हमारे पास 42-43 बच्चे थे अग्निवीर के साथ में, सब सब के सब क्लियर किए थे, हमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस है। अगर दोस्त आपको आना है तो आ सकते हो, सिर्फ आपका रहना खाना और डाइट की फीस लगेगी, लेकिन ये मैं वीडियो में कह रहा हूँ, अगर आप आ गए दोस्त ना, 100% कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% के साथ कह रहा हूँ, कहीं भी कितना भी दोपहर में रनिंग क्यों ना करा दें, 2 बजे रनिंग करा दें, 3 बजे रनिंग करा दें, 11 बजे रनिंग करा दें, कभी भी किसी भी टाइम रनिंग करा दें, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 24 मिनट देते हैं, आप 20 मिनट के अंदर घुस जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपके दिमाग में निकल जाएगा आपका। हाँ, ये भी रेस की भी गारंटी, और मेडिकल भी चेकअप होगा, मेडिकल भी चेकअप होगा, क्योंकि साथियों मैं खुद मेडिकल फिट बंदा हूँ, ठीक है, मैं खुद एक ट्रेनर मेडिकल फिट हूँ, इसीलिए साथियों और भी ऐसे बंदे हैं जिनको, जो मेडिकल भी करते हैं, उनसे बुला के आपका अच्छे से मेडिकल भी हो जाएगा, कि आपके मेडिकल में कोई पॉइंट तो नहीं है, नहीं आप एकेडमी में भी 2-3 महीने बिता के जाओ, रेस भी क्लियर करो, हो सकता है लास्ट में मेडिकल में कहीं ना कहीं बाहर हो जाओ, ये भी आपका मेडिकल भी चेक होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको आना है, आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है, कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं है, अगर आपको आना है दोस्त, तो आपको जैसे बताया ऐसे ही रनिंग होगी, क्योंकि हमारे पास पुलिस के भी बंदे आ चुके हैं और झारखंड के भी बच्चों का कॉल आ रहा है, क्योंकि उनकी भी डेट साथियों क्लियर होने वाली है, फिजिकल चेंज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।